नमस्कार, मैं हूं सर्वेश पुरोहित। हम इस वक्त हैं जयविलास पैलेस के हाथी दरवाजे पर। पूर्व की दिशा में यह दरवाजा है जहां कि कल राजमाता श्रीमंत माधवी राजे सिंधिया का मुखाग्नि देकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अलविदा कहा, वहीं आज सिंधिया के महल पर सन्नाटा भी छाया हुआ है। राजमाता माधवी राजे के निधन के बाद आज सिंधिया छत्री मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने माधवी राजे सिंधिया की अस्थियों का संचय किया गया। फिलहाल सिंधिया के महल में बाहर कोई चहल पहल नहीं दिख रही है, लेकिन आज जो समय श्रद्धा सुमन अर्पित करने का जो समय मुकर्रर किया गया है, वो 3 से 5 बजे के बीच समय को मुकर्रर किया गया है। राजमाता माधवी राजे सिंधिया इसी महल में 8 मई 1966 को बहू बनकर आई थी। दिल्ली में उनकी शादी हुई थी और ट्रेन से वो यहाँ आई थी इसी महल जयविलास पैलेस में, जो कि आज उसी महीने को 16 तारीख को उन्होंने ग्वालियर को अलविदा कहा, इस महल को अलविदा कहा। परिवार की समृद्ध विरासत को सजाने संवारने में राजमाता माधवी राजे सिंधिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही। चाहे अटल जी के सामने चुनाव लड़ा गया हो अथवा कांग्रेस से अलग स्वयं की पार्टी बनाकर माधवराव सिंधिया ने चुनाव लड़ा हो, लेकिन माधवराव जी सिंधिया के साथ साथ चुनावी समर में शालीन उपस्थिति उनकी बनी रही, लेकिन कोई भी ऐसा बयान कभी नहीं आया कि उनकी राजनीति में भूमिका दिखाई दे। सामान्यतः माधवी राजे सिंधिया कम बोलने वाली थी और किसी भी काम को बखूबी निभाने वाले, महल के हर काम को वो बखूबी उन्होंने निभाया। और माधवराव सिंधिया राजमाता के और माधवराव सिंधिया के जाने के बाद उन्होंने ये पूरी विरासत को संभाला, जबकि उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस विरासत को अपने पुत्र को बखूबी सौंप कर वो आज पंचतत्व में कल विलीन हुई। और जिस तरीके से आपने देखा कि पंचतत्व में विलीन के समय ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने गमगीन थे, और आज भी जिस तरीके से ये सन्नाटा छाया हुआ है, लोग आ रहे हैं मिलने के लिए और परिवार के लोग वहाँ उपस्थित हैं अंदर, और अब आज का जो समय है उसके अनुसार फिर लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकेंगे, क्योंकि आज शुद्धता का, हिंदू धर्म के अनुसार आज शुद्धता का दिन रहता है। तो वहाँ से अस्थियाँ संचित करने के बाद उन अस्थियों को आज किसी पेड़ पर, पीपल के पेड़ पर रखकर उनको 10वें दिन विसर्जन के लिए इलाहाबाद, जैसे गंगा विसर्जन किया जाता है, नेपाल में भी उनको ले जाया जाएगा। तो ये पूरा कर्मकांड जो चलेगा उनके राज पुरोहित के द्वारा यह पूरा कर्मकांड किया जा रहा है, उसी के अनुसार जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम है, लोगों को VVIP लोगों की भी कतार लगी हुई, जिस तरीके से आज भी कतार लगी हुई थी, सुबह भी आपने देखा। सर्वेश पुरोहित, MP तक ग्वालियर।